बात है। अरे अभी तो पार्टी शुरू हुई है। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक हो, खैरियत से हो गए। और आप इस टाइम देख रहे हैं यूट्यूब चैनल दिनेश सुभानी, और आज हम फिर सब कज़न एक साथ इकट्ठे हुए बकरा ईद के बाद। और इस टाइम मैं अपने कज़न अब्दुल्ला के घर इकट्ठे हुए हैं, तो बारबेक्यू का आज हमारा प्लान है। और सबसे पहले मैं पहले भी आपको तारीफ करवाया अपने कज़न्स का, तो आज फिर एक दफ़ा करवा देता हूँ। तो ये मेरी पप्पो का बेटा मलिक बाबर इंजीनियर है बेसिक, और ये हमारे चाचू के बेटे हैं कामरान, और ये मेरी फूफो का बेटा है अब्दुल्ला मलिक अब्दुल्ला। और ये इस टाइम इसके काम चेक कर रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं अब्दुल्ला भाई, ये क्या कर रहे हैं आप? तेरे अरमानों को आग लगा दी। इसके अरमानों को आग लगी, इसको तो पूछ नहीं रहा, पूछो जाके वो बैठा है। नहीं ठीक है, चलिए अब हम अंदर चलते हैं, आपको यासर से भी मिलाते हैं। यासर आ ही गया, बल्कि ये एडवोकेट है हमारे वकील भाई है, यासर भाई है। और इन्होंने आज फिर एक दफ़ा सब कुछ इन्होंने अपने हाथों से तैयार किया है, और हमारे लिए बहुत मुश्किल है खाना, हमारे लिए बहुत मुश्किल हो खाना। देखते हैं आज फिर हमें आरी प्लेट का इस्तेमाल करना पड़ेगा या नहीं करना पड़ेगा। यासर भाई क्या तैयार किया आज? मटन है, कीमा करके कबाब। ये किसने तैयार किया कबाब? आज आपने खुद किए माशाल्लाह, आगे तो अब्दुल्ला भाई करते हैं ना ये तैयार। ठीक है, चले देखते हैं आज कैसे आपने तैयार किया, हम खा के बताएंगे आपको। ये हमाद साहब है, ये भी हमारे चाचू के बेटे हैं। हमाद कैसे हो? ठीक ठाक हो? चलो एंजॉय कर रहे हो? हैं? एंजॉय कर रहे हो? चलो गाइस, ये कामरान हमारी पिछली गैदरिंग में शामिल नहीं था हमारे साथ, और ये फर्स्ट गैदरिंग है इसकी हमारे साथ। तो ये फर्स्ट गैदरिंग है ना या सर इसकी हमारे साथ? यहाँ पर फर्स्ट गैदरिंग है इसकी हमारे साथ। तो अब देखते हैं, और ये यासर साहब लगा रहे हैं मटन, तो देखते हैं ये कैसे लगाते हैं, आपको दिखाते हैं कैसे लगा रहे हैं। लो जी, ये यासर साहब लगा रहे हैं मटन सीखों पे, अभी लगा रहे हैं। ये कुर्बानी का गोश्त है ना, चलो देखते हैं कैसा है। लगता है इन्होंने बकरे को क्या क्या खिलाते थे आप? पट्ठे के नाल सेब भी, सेब देसी घ्यो। अच्छा मैं बताता चलूँ, ये जिस बकरे का गोश्त हमें खिलाने लेकर आए हैं ना, जिस बकरे का हमें गोश्त खिला रहा है ना अब्दुल्ला साहब, इस बकरे को क्या क्या खिलाता था भला? जी जी बच्चे ने तरह पाले हैं। आप कभी खाता है ना खाता है? अच्छा, तो नाल सेब भी खवांदा सी यार, सेब भी खिलाता था ना, मुरब्बे खिलाए थे। एक बंदा रखा था यार, हाँ अपने वास्ते रखा या नहीं रखा? ठीक है, ये देखें, ये मलक यासर साहब के भाई है, मलक बाबर साहब अधे इंजीनियर नहीं, पूरे इंजीनियर है, लेकिन आज जरा थोड़े सैड से, कोई बात नहीं। लोग आए, हमारे दो कज़न हो रहे आ गए, ये मलक अजीम साहब अब आए हैं, अब तशरीफ लेकर आए हैं। ठीक है कोई बात नहीं। और अजीम साहब कैसे हैं, आ गए? बड़े लेट आए हो यार। और ये जवाब साहब भी अब तशरीफ लेकर आए हैं। हम सब कजन्स इकट्ठे हो गए गाइस, ये देख लें, अभी भी इसमें दो तीन कजन्स कम है। यार हमजा को नहीं फोन किया? यासर हमजा आ रहा है,
एक कज़न हमारा मिस है इसमें, वो अभी आ रहा है। ये वो बकरा हमें खिलाने लगा है जो इसने बहुत शौक से साथ पाला था। यासर साहब ने स्पेशल एक आदमी रखा था उसको खाना खिलाने के लिए। ये इसको घी खिलाता था, खालस घी, देसी घी, और अपने बच्चों की तरह से पाला है जो इसके अभी बच्चे नहीं हैं। तो उस पर बड़ा खर्चा किया है, आधा किलो डेली का सेब, दही, पमा आप खाता है या ना खाता है लेकिन वो खुआता सी। ये हमें वो खिलाने लगा, तो देखते इसका टेस्ट कैसा है। तो ये अब्दुल्ला साहब, ये हमें क्या, ग्रिल फिश, ग्रिल कबाब, ग्रिल कबाब पहली बारी सुने हमें। ग्रिल कबाब अब्दुल्ला नीचे गिर जाएगा सर, नहीं गिरेगा, नहीं गिरेगा। सीक मार कुत्ते करेगा। क्या हुआ है मार? कुछ भी नहीं हुआ। सेल्फी टाइम भाई, सेल्फी टाइम। एक तो मैंने समझ नहीं आता कुक तू हैगा या वो हैगा। पाने टका टका सिखाना है। अच्छा लो जी ये फोटो शूट हो रहा है। लो गाइस बाहर से इस टाइम कोक भी आ गई है और ये गोड में से दो स्प्राइट आ गई है और नान भी इस टाइम आ चुके हैं और काम जोरों पर है, खुशबुएं तेज है। यासर साहब कितना काम रह गया? इतना रह गया, वो कीमा भी पड़ा यार, उन्होंने कौन है वो की घर वास्ते रखना है। अच्छा साढ़ा त्यार, यही ग्रिल कबाब लग रहे हैं इस टाइम, ग्रिल कबाब पहली बारी दुनिया ने देखने। अजीम साहब, अजीम कोक ले आयो, कोक ले आयो, कोक कौन लेकर आया? अजीम कोक कौन लेकर आया? और ये क्या लेकर आए? गवर्नमेंट से शापर लिया? कैसे उठा के लाए? वो पीछे वो सॉन्ग लगाने लगे हुए जवाब साहब, ये मेरा छोटा भाई है। ओ यार सड़ना जाए ध्यान करिए यार, ये क्या नहीं लेकर आया? दही नहीं ले यार, दही नहीं लेकर आया? कम देख लो, कम देख लो यार, ना बाबर ना भाइया दही ली है, बाकी पानी डलवा दी है, पानी पुआ के ले आया, लस्सी बना के लाया दही दी। यार चेक कर सर। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे आप? ठीक ठाक है और सर कैसे? सर कैसे? ओए अपने भरा से काम चेक कर, पाइया दही ले आया तो बाकी पानी पवा दिता इन्हें। सर कैसे? ये हमारी पप्पो का बेटा है, हम अभी आता हूं, मलिक हमजा साहब है, तो ये थोड़ी सी कमेंट्री भी करेंगे। जी जी क्यों नहीं, ठीक है। और आप इतनी लेट वैसे आए हैं, खैर वो बेसिकली माऊ यूनिवर्सिटी आने दे रहे। और वो आप कैसे हो? क्या हाल है? ठीक ठाक हो? आज बड़ा टोलाना सूट पाया है। काम चेक कर ले, पाइया नहीं ले आए थे बाकी पानी पुआ के ले आए। फ्रिज भरना ईद तो बाद आई हाल होंगे बकरा, ईद तो बाद चौधरी की फ्रिज है। यार सीरम डालना है।
अब तो ने कर लिया है काम, डाल दिया मुझे गरम तो ला दिया। जीरा वगैरह डालना इसमें, नमक वगैरह डालना? तो पाओ फिर ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕੀ ਕਰਨ ਬੈਠੇ ਹੋ? ਮਦਾਲੀ ਕਮਾਲ ਆਸੇ ਮਦਾਨੀ ਇਸ ਕੇ ਲੱਸੀ ਬਣਾਈ ਦੇਈ ਇਹਦੀ ਹੈ ਐਸੇ ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਜੀ ਲੱਸੀ ਬਣਾਈ ਸੀ। ਚਲ ਆ ਜਾ ਪੈਣਾ ਵਾ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਸਰ ਤੈਨੂੰ ਕਾਰ ਕੱਪੜੇ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦੇ। ਇਹ ਰਾਇਤਾ ਜੋ ਹੈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। गाइस हमारी यहाँ पे तैयारी मुकम्मल हो चुकी है, दस्तर खान लग गया है और सब कजन हम बैठ के, और ये गाना जो है हमने तराने के तौर पे लगाया है, और ये बाबर भाई को बाबर भाई के लिए लगाया है, और ये इस टाइम इनके जज्बात इस गाने गाने जैसे हैं। अच्छा 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 अल्लाह का वास्ता तेन रो काफी खर्चा कर दी है। चिट्टा चौंसा या काला चौंसा? सौ रुपए किलो। चिट्टा चौंसा ही काला चौंसा? बीज दे नते छोड़ दूं। कोई बात नहीं, रोला वो मेरा प्राण रोला। आज नहीं तेरा भरा बाजदा। लो कितना तर पाओगे, कितना रह गया अब्दुल्ला साहब? कोई बात नहीं अब्दुल्ला साहब, आपके हाथ में इंतजाम है सारा, तो आप बातें कर सकते हैं हमें। जी तैयारी है ओदे नाल खाने? माशाल्लाह माशाल्लाह। ये नहीं। कैसे लगे आपको? टेस्टी है। और यासर भाई तू रहे ना, तू तो बनाए है। हाँ जी अजीम भाई, हाँ जवाब कैसे हैं? हाँ जी बाबर साहब कैसे हैं? अच्छे बने हैं। अमाद जी, वहाब साहब अच्छे हैं। हमजा लो गाइस, जो जो शख्स हमें पार्टी नहीं देता ना उसका हाल हम ये करते। ये देखे इस तरह ये हाल करते हैं। अंदर ही रहने इसको। ये हाल करते हैं जिसका हम जो पार्टी नहीं देता ना हमें उसका हाल ये करते हैं। हम इस रूम में हमने इसको बंद कर दिया। इस रूम में बहुत स्मेल है, इसलिए हमें हमें बर्थडे की पार्टी नहीं दी, इसलिए हमने इसको इस रूम में बंद कर दिया। हमजा साहब को इसकी जनवरी में बर्थडे थी, इसने हमें बताया नहीं। लो गाइस, ये कैदी फरार हो गया था जो, इसको पकड़ के हम इधर ले आए, और अब इसको हम ऊपर मुर्गी वाले पिंजरे में लेके जा रहे हैं ताकि हमें पार्टी के पैसे दे सके। अब्दुल्ला हाथ पीछे खड़ी से शक्ल दिखा, इसकी शक्ल दिखा, मास्क भी ला। ये पटवारी है, ये पटवारी है जिसने हमें हाल होता है नून लीगियों का। ये नून लीगियों का हाल होता है, ये नून लीगियों का हाल होता है। बिल्कुल बिल्कुल, इसने हमें बर्थडे के पैसे नहीं दिए। ये गवर्नमेंट के साथ मोबाइल में वीडियो देखो, इस मैं बना रहा हूँ इधर मुंह दिखाने। ये वो पटवारी जिसने हमें बर्थडे के पैसे नहीं दिए, अब हम इसको इस खुडे में बंद करेंगे। ये खुडा है, गाइस इसकी जमानत हो, इसकी जमानत होगी एक हफ्ते बाद, ये हमें पैसे देगा, ठीक है, 1000 रुपया। इसके मुंह से क्या वीडियो में रिकॉर्ड होगा? कब पैसे देगा ये? कब पैसे देगा सर? ये नेक्स्ट पार्टी हमारी जब भी होगी तब देंगे। नहीं नहीं नहीं, अगले हफ्ते, अगले हफ्ते, ठीक है। नहीं तो ये इसके हम इस खुडे में बंद करना था इसको, अब इसकी जमानत हो रही है, अब ये जा रहा है, ये पटवारी भाग रहा है। ये देख ले नाजनी, इसको देख ले गौर से। तो गाइस हमने फुल इंजॉयमेंट की, हमने फुल मज़े किए हैं यहाँ पर, ठीक है। तो ये पार्टी हमें यासर भाई ने दी थी और मलिक बाबर साहब ने दी थी,
तो किस चीज़ की आपने क्वालिटी दी है? हाँ, ये भाई हमारे मामू बने हैं और इसका बड़ा भाई इंजीनियर है जो बाबर साहब, वो भी मामा ही बने हैं। इन्होंने मामा ही बनना है, ठीक है। तो हमें फुल मज़े की है सब कज़न ने एक साथ, हम फिर इकट्ठे हुए हैं। तो तब तक के लिए नेक्स्ट फिर हम ऐसे ही इकट्ठे हो गए, ऐसे ही हमें इत्तेफाक रहेगा इंशाल्लाह ताला सब कज़न में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।